नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बोलेरो के साइलेंसर यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और किस तरीके से इसका साइलेंसर जो है काम करता है, और इसके अंदर जो रबड़ बुश वगैरह लगे होते हैं आपको उनको किस तरीके से लगाना है, और इसके साथ साथ एग्जॉस्ट सिस्टम एक गाड़ी के अंदर क्या काम करता है, उन सब बातों के बारे में जानकारी लेंगे। गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसका काम आप सभी जानते होंगे, गाड़ी के इंजन की जो भी एग्जॉस्ट गैसें हैं जो जलने के बाद धुआं जो बचता है उसको जो है इंजन से बाहर की तरफ निकालता है और गाड़ी के नॉइज़ को कम करता है, और जो है गाड़ी से पोल्यूशन कम हो इसका भी ध्यान रखता है। अपनी गाड़ी के इंजन का जो भी धुआँ है वो सबसे पहले यहाँ से होता हुआ और जो है टर्बो के अंदर जाता है, जो नीचे आपको दिख रहा है ये गाड़ी का टर्बो लगा है, और इसके बाद जो है एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जाता है जो नीचे आपको दिख रही होगी। तो देखिए यहाँ से जो है अपना एग्जॉस्ट जो है गाड़ी के टर्बो से कनेक्ट होता है, ये जो है प्राइमरी जाली आ जाती है जिससे साउंड जो है कम होता है, उससे निकलने के बाद एग्जॉस्ट गैसें जो होती है इंजन की वहाँ से होती हुई इसके अंदर आती है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको जो है साइलेंसर बिलो बोलते हैं। इसका काम क्या होता है आप देखिए, जो साइलेंसर जो है यहाँ से इसके आगे की तरफ से आप देखिए इस तरीके से जो है गाड़ी की चेसिस से कनेक्ट है, और आगे का जो साइलेंसर का हिस्सा है वो जो है इंजन से कनेक्ट है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंजन के मोशन जो है अलग होते हैं और जो अपनी चेसिस है उसके मोशन अलग होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है अपने साइलेंसर के टूटने का डर रहता है, इसलिए ये जो है बीच में दिया होता है। ये क्या करता है, जो इनके अंदर डिफरेंस होता है सस्पेंशन का उनको जो है दूर करता है जिससे साइलेंसर टूटे नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से अलग हिलता रहता है, जिससे अपने साइलेंसर के अंदर क्रैक वगैरह ना हो। इसके बाद जो भी गैसेस होती है अपने साइलेंसर के अंदर वो इस पाइप के थ्रू होती हुई अपनी ये जो यहाँ पे टंकी लगी होती है साइलेंसर के अंदर इसके अंदर आती है। ये जो टंकी होती है इसके अंदर अपनी जो सेकेंडरी जालियाँ होती है वो लगी रहती है, जिससे क्या होता है एक तो नॉइज़ कम होता है इंजन का, दूसरा एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर जो भी वाइब्रेशन होता है उसको कम करके उसकी स्पीड को जो है ये डिक्रीज़ करता है। इसके अंदर गैसेस जो है एक बार इस तरफ से जाती है और फिर दोबारा से घूम के इस तरफ आके और फिर जो है एग्जॉस्ट से बाहर की तरफ निकलती है, और धुएं के इसमें से निकल जाने के बाद सीधा जो है गाड़ी के पीछे की तरफ से टेल पाइप से जो है बाहर निकल जाता है, और साइलेंसर को जो है चेसिस के ऊपर कुछ इस तरीके से रबड़ के बुश और क्लिप लगा के रखा जाता है। ये यहाँ पे अपना जो रबड़ का बुश आ गया और इसके ऊपर जो है ये एक स्टील की क्लिप लग गई जो कि इसको पकड़ के रखती है। तो ये सब कॉमन पार्ट होते हैं अपने साइलेंसर के अंदर। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। बोलेरो के अंदर बहुत सी बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये गुटके जो आपको दिख रहे हैं बोलेरो के अंदर प्रॉब्लम आती है, ये गुटके बार बार टूट जाते हैं, या बहुत सी बार क्या होता है हम इन पे ध्यान नहीं देते और ये टूट जाते हैं, जिस वजह से साइलेंसर जो है नीचे लटक सकता है या साइलेंसर जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, आपको इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी मैंने जो है अपनी गाड़ी के ये जो एक यहाँ पे और एक इस तरफ और एक आगे यहाँ पे लगा रहता है, तीनों के तीनों गुटके जो है मैंने अभी चेंज किए हैं, ये तीनों जो है टूट चुके थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर इनके ऊपर लगी हुई ये स्टील की क्लिप टूट जाती है तो ये जो है रबड़ के होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, और हम अगर इन पे ज़्यादा लंबे टाइम तक ध्यान नहीं देते हैं तो आप जब भी गाड़ी आपकी कोई गड्ढे वगैरह में गिरती है तो आपको जो है अजीब सी आवाज़ भी गाड़ी के नीचे से आती है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कोई इसके क्लंप वगैरह टूट गए होंगे। अब आपको मैं आगे बताता हूँ, अगर ये क्लंप वगैरह टूट जाएँ या आपको इनको चेंज करना हो तो आप इनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस बोल्ट को खोलना पड़ता है, उसके बाद आपको ये क्या करना है, ये यहाँ पे जो इसके ऊपर इस तरीके से लगी होती है इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के और इसको सीधा करना होता है, कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालना है और इसको जो है सीधा करना है एकदम। वैसे इनको आपको ज़्यादा हिलाना भी नहीं चाहिए वरना ये टूट भी जाती है। इनका एक काम और होता है, ये जो इस रबड़ बुश है इसको बाहर नहीं निकलने देती, ये यहाँ से हमने सीधी कर रखी है और इसको हमने सीधा कर लिया। अब इसके बाद इस बोल्ट को खोल लेते हैं, स्टील क्लिप को जो हमने इसके पीछे की तरफ निकाल दिया है, अब इसको जो है आपको ये साइड जो है बाहर निकलेगी और ये जो साइड है इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा देंगे। तो ये देखिए अपना रबड़ जो है ऊपर की तरफ निकल गया है। अब अगर आपको इसको बाहर निकालना हो तो इसको ऐसे घुमाना है, इस साइड से भी इसको सीधा कर लेना है और ये रबड़ जो है बाहर निकल जाएगा, ये अपना क्लंप जो है सीधा बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं आप इसको वापस से चढ़ाओगे कैसे। वैसे इसको चढ़ाना काफ़ी जो है मशक्क़त का काम है, आपको पूरा जोर लगा के इसको जो है चढ़ाना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल है ये।
अब इसको वापस चढ़ाते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट पे ऑयल लगा लेना है, इस पार्ट पे और नीचे के दोनों पार्ट पे, और इस रबड़ को आप या तो इस साइड से एक तरफ यहाँ पे चढ़ा लें, या अब जो इस पोजीशन में है आप इसको इस तरीके से कर लें, और उसके बाद जो है इसको वापस लाते हुए ऐसे, और नीचे के साइड की साइलेंसर की जो रोड है इसके ऊपर जो है आपको इसको चढ़ाना है। स्क्रू ड्राइवर को जो है आप इस तरीके से इनके बीच के अंदर लाके आप इनको जो है इनके सेंटर जो है मैच कर सकते हो। इस तरीके से आपको पूरा जोर लगा के जो है इनको चढ़ाना पड़ेगा। मैंने जो है इनको अभी थोड़े दिन पहले चेंज किया, तो इसके ऊपर मैं ऑयल वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, बाद में मैं इनके ऊपर जो है ऑयल डाल दूंगा। तो अब अपना रबर जो है अच्छे तरीके से चढ़ गया। क्लंप को आपको पहले ही ध्यान रखना है, पहले इसके अंदर लगा के रखना है, उसके बाद क्लंप को इसके ऊपर चढ़ा देना है इस तरीके से, और ये यहाँ से हमने जो इसको सीधा किया था इसको वापस से मोड़ के नीचे की तरफ कर देना है। वैसे ये कमज़ोर हो चुकी है, इसको हम जितनी बार ऊपर नीचे करते हैं उतनी कमज़ोर हो जाती है और इसके टूटने के चांसेस हैं, तो इसको आपको ज़्यादा नहीं हिलाना है। क्लंप को आपको उतना टाइट करना है कि बस ये रबड़ को जो है सपोर्ट करके रखे, ज़्यादा टाइट आपको इसको नहीं करना है, वरना इसके अंदर जो है ये मूवमेंट नहीं होने देगा। अपना क्लंप जो है यहाँ पे सेट हो चुका है, इसको हमने पूरा टाइट कर दिया है। इस तरीके से जो है आप अपनी गाड़ी के साइलेंसर के बुश जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, अपनी ये जो यहाँ से ये रोड जा रही है ये यहाँ से टूट जाती है या फिर इसके पास से टूट जाती है, तो आप इसको जो है वेल्ड करवा सकते हो, या कुछ एक बार जो अपनी चेसिस है इसके ऊपर से इस तरफ से टूट जाती है तो वहाँ पे आप वेल्ड करवा सकते हो। पर इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको इस रबड़ की जगह पे इन दोनों रोड को वेल्ड नहीं करवाना है, क्योंकि ये जो है हिलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये इंजन से कनेक्ट होती है और आगे जो है अपनी एग्जॉस्ट पाइप जो है बिलो से होती हुई आगे टंकी से कनेक्ट होती है, इसलिए इनके अंदर मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। अगर आपने इनको साथ में वेल्ड करवाया तो आपकी पाइप जो है क्रेक हो सकती है या इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं अपने साइलेंसर के, इनकी सारी डिटेल्स मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपसे आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।